डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के अंदर, अर्थात इसके पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के अनेकों अनेक तरीके और खास करके मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके हैं। आज उसी सिक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन और साथ में ही रॉज थ्योरम पढ़ेंगे और रॉज थ्योरम के साथ साथ हम लोग जो है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे और उसी बीच में हम लोग दो इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे जो आपके सामने हैं। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे और ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जाते जाते होगा तो इस लेक्चर के अंदर ही इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे और इस न्यूमेरिकल को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के साथ ही हम एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। इसमें जो लीनियर सिस्टम है हमारा, कोई भी लीनियर सिस्टम हो, व्हाट एवर बी दी लीनियर सिस्टम, तो उसमें कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वर्ड से आपका बनता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनता है कंटिन्यूटी वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन। सपोज देयर इज एम लीनियर इक्वेशन। एम लीनियर इक्वेशन है, इतने सारे लीनियर इक्वेशन है। कौन कौन से? जैसे a11x1 है, प्लस a12x2 है, प्लस a13x3 है, एंड सो ऑन जाएगा a1nxn। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? k1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अब क्या हो जाएगा सेकेंड रो के लिए a21x2 एंड सो ऑन जाते जाते ये कहाँ जाएगा? a2nxn इक्वल टू k2। और ये सब जाते जाते एक समय आएगा जब आपका लास्ट में क्या होगा, am1xm। ठीक है, ये क्या होगा? m रो होगा प्लस और यहाँ पर उसी तरह से am2x जो है 2, यहाँ तो x बन जाएगा और लास्ट में आपका जो है यहाँ पर amnxn जो है जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? km। तो ये लास्ट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर कंटेनिंग जो है, देर आर एन नंबर ऑफ अननोन्स है। यहाँ पर कितने सारे अननोन है? एन नंबर ऑफ अननोन्स है। और अननोन कौन कौन से हैं? x1 है, x2 है, एंड सो ऑन xn है कि नहीं। टू डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आपका इक्वेशन नंबर 1, इज इट कंसिस्टेंट और नॉट, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर वी कंसिडर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए कि ए आप निकालते हैं, ए कितना निकल करके आएगा आपका a11, a12 एंड सो ऑन a1n। ठीक है, और ये a21 इस तरह से चलते जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? am1। ठीक है, और ये mn। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? a का। और यहाँ पर k कांस्टेंट है, इधर क्या है कांस्टेंट? k जो है आपका सेम यही a11, a12 एंड सो ऑन, और क्या हो जाएगा? k1। यहाँ a1n भी जाएगा उसी तरह से, ये पूरा चलते जाएगा और am1, am2 एंड सो ऑन, amn और kn, ये आपका k का इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से। तो बेसिकली a is called coefficient matrix, ध्यान रखिएगा, और k इज कॉल्ड augmented matrix ऑफ इक्वेशन 1। augmented matrix, याद रखिएगा, augmented
ठीक ना। तो इस तरह से इस तरह के इक्वेशन को कोफिशियंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, उसके पहले छोटे छोटे दो चीज और पढ़ लें। इसी में आता है एक आपका रॉच थ्योरम। कौन सा थ्योरम? रॉच थ्योरम। बोलिएगा सर ये रॉच थ्योरम क्या होता है? तो बेसिकली कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन आप देख रहे थे ना, ये क्या है इक्वेशन आपका वन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के आर ऑफ द सेम रैंक, अदरवाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। यही कहता है रॉची थ्योरम। रॉची थ्योरम क्या कहता है? यहां पर फिर हम लिख देते हैं एक कि इफ इफ ए एंड के, ए क्या हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड के क्या हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इफ बोथ आर ऑफ सेम रैंक, इफ बोथ आर ऑफ सेम रैंक देन इट विल बी देन इट विल बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज यदि रैंक सेम नहीं है तो यदि रैंक सेम नहीं है तो अदरवाइज इट विल बी इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा ये? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाए, छोटा सा न्यूमेरिकल बनाने के बाद होमोजेनियस इक्वेशन अपन देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास एक ये है क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए इक्वेशन है। वी विल टेस्ट और कंसिस्टेंसी कि वेदर दिज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक ना, ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तो कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड आपने देखा अभी, यहाँ पर सेम यही मेथड लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक ना। इक्वेशन को यदि आप ब्रेक करेंगे तो क्या निकल कर के आएगा इक्वेशन, यहाँ पर मैट्रिक्स क्या बनेगा 5 3 7, यहाँ पर 3 26 और 2, ये 7 2 और 10, ठीक है। और इधर क्या हो गया आपका ये एक्स वाई जेड इक्वल टू, इधर क्या हो गया आपका 4 9 और 5, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वी अप्लाई, अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, वी अप्लाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स कि फर्स्ट जो है आपका ये आर वन जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये आर वन जो है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आर टू जो है क्या कर रहे हैं 5 R2 कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए तो इससे हो क्या रहा है, ठीक है ना। ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ, आपको भी अपने मन से सोचना है कि क्या हम करें कि हमको इसमें मैक्सिमम 0 मिल जाए, ठीक है। मैक्सिमम 0 फाइंड आउट करना हमारा इसमें टारगेट है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 15, यहाँ 9 और ये 21 हो जाएगा, और इधर आपका R2 में 5 मतलब 15 और 26 इंटू 5 कितना हो जाएगा 130। ये हम क्यों किए, क्योंकि दोनों करने से ये क्या हो जाएगा, अभी माइनस करेंगे तो ये 0 जाएगा। अब देखिएगा इसको, और 10 और ये तो एज इट इज है 7 2 10, और ये एक्स वाई जेड, और अब इधर भी होगा R का 12 और R2 का 5, तो 9 5 जा 45 और ये 5 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2 कर दें या R2 माइनस R1 कर दें, नाउ R2 माइनस R1 कर दो, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा ये 15 9 21, ये क्या हो गया 0 हुआ कि नहीं,
130 माइनस 9 कितना हो जाएगा 121, और 20 माइनस 20 111, और ये 7 2 10 एक्स वाई जेड। और इधर क्या हो जाएगा, ये 12 तो एज इट इज रहेगा, और 45 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका 33 और 5, सही है। अब कहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा देखिए तो R1 को और R3 इधर कुछ और जीरो कर सकें। तो जस्ट नाउ व्हाट आई डू कि R1 जो है ले लेते हैं 7 बाई 3 R1, ध्यान से समझिएगा, और R2 ले लेते हैं आपका, आपका 1 बाई 11 R2, और R3 ले लेते हैं देखिएगा यहाँ पर 5 R3, ठीक है। R3 कितना ले लिए 5 R3, देखिए तो क्या चेंजेज आ रहे हैं, ये R1 ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो किए हैं, तो 7 बाई 3, तो 7 बाई 3 कितना हो जाएगा 35, ये कितना होगा 21, एंड दिस वन इज 49, 0, 11, माइनस 1, 35, 35, 10, 50, एक्स वाई जेड, और 4, 3, 0, सही है। फिर हम कुछ कर सकते हैं क्या, अभी भी एक ही जीरो है, अब इसमें इधर कर दें या तो R1 माइनस R3 या R3 माइनस R1, ये एक और टर्म जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए R3 जो है यहाँ पर R3 माइनस R1 प्लस R2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा ही होगा हमें, और R1 जो है कर देंगे 1 बाई 7 R1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 1 बाई 7 R1 मतलब यहाँ पर 5, 3 और 7 हो गया, R2 में कहीं कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पर क्या है R3, R3 माइनस R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा अगेन अब 0, यहाँ पर R3 माइनस R1 10 माइनस 21 0, 10 माइनस 21 11, 11 0, और ये 50, 50 प्लस 49 कितना हो जाएगा 99 और 1 98, 98 आ रहा है क्या, नहीं सॉरी ये 50 ठीक है ना, देखिए ना यहाँ पर R3 माइनस R1 है ना, सही सॉरी यहाँ पर भी आ गया आपका 0, और ये कितना हो गया x y z, यहाँ थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि थोड़ा भी यदि इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा मेहनत पे पानी फिर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कहीं से और जीरो आ सकता है क्या, ये थोड़ा सा देख लें हम, इसमें कहीं जीरो और आ सकता है क्या, कोई संभावना है, ठीक है, तो नहीं लग रहा है संभावना, ठीक है, यदि संभावना नहीं लग रहा है तब हम इसको यहीं पे स्टॉप करें। तो दैट मीन्स द रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द लास्ट सेट ऑफ इक्वेशन आर बोथ टू, यहाँ देखिए यहाँ पर फाइव लेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, यही बचेगा कि नहीं, ये और ये भी तो जीरो हो रहा है, फिर थ्री लेंगे बचेगा थ्री, तो थ्री और थ्री ये भी और ये भी जीरो, सेवन लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया जीरो जीरो, तो कुल मिलाकर ये तो ये पूरा जीरो जा रहा है, ये जीरो लेंगे तो दिस एंड दिस ये भी जीरो जा रहा है, ये लेंगे तो दिस एंड दिस ये भी जीरो जा रहा है, जब ये लेंगे दिस एंड दिस तो ये भी जीरो जा रहा है, ये लेंगे ठीक है, ये जब लेंगे यहाँ पर दिस एंड दिस, तो यही एक आपका बच रहा है, ठीक है, सिर्फ थ्री ये भी वाला आप पकड़ेंगे तो इसी यही एक आपको रिजल्ट दे पा रहा है, ठीक है। तो द रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द लास्ट सेट ऑफ इक्वेशन आर बोथ टू, ठीक है, यहाँ पर आपका निकल गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना निकल गया,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकल गया कितना, 2। ठीक है, अच्छा, हेंस द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, रैंक निकल गया। तो आल्सो द गिवन सिस्टम इज इक्विवेलेंट, अब किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या था, 5x plus 3y plus 7z, यहाँ देखिए आपके सामने है 5x plus 3y plus 7z equal to 4, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, कुछ इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या x और y के टर्म में, x और y के टर्म में, ठीक ना। और दूसरा क्या निकाल सकते हैं, 3x plus 20, अब यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या निकल करके आया है इस इक्वेशन में, इससे यदि हम इक्वेशन डेवलप करें तो क्या आएगा, देखिए तो इस वाले से इक्वेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5x plus 3y plus 7z equal to 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, 11y और माइनस z equal to 3, और इधर तो सब 0-0 ही जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये 11, यहाँ से y निकालेंगे, y तो 3 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 11, ये होगा कि नहीं। और यही वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 7/11 माइनस 16/11 इंटू जेड, ठीक है। इस y का वैल्यू इसमें हमने रख दिया तो ये इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक ना। फिर जेड इज ए पैरामीटर, अब जेड इस इक्वेशन में इन्वॉल्व रह गया तो हमको अब मजबूरी हो जाती है पैरामीटर कहना, ठीक ना। और जेड जब जीरो होगा, ठीक ना, व्हेन जेड इक्वल टू जीरो यदि हम लेंगे तो वाई इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 3/11, और एक्स इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 7/11, और यही आपका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन भी निकालना है और ये भी बताना है कि इसका रैंक कितना है, जैसे कि अभी हमने निकाला, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकाल करके ये भी चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये था इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रक्रिया, ये हमने आपके लिए कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा कि अब कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखे थे और इसमें रॉची थ्योरम, और दोनों को हमने आपको बता दिया कि किस तरह से ये काम करता है। अब एक इसी में लीनियर जैसे सिस्टम इक्वेशन है उसी तरह से लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन भी हो सकता है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा है, मजा आएगा क्या। इसमें भी एक जो है ना न्यूमेरिकल कर लेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। अब यहां भी जैसे होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या कि यहां पर जो आप देखे थे तो इक्वल टू k1 k2 ये सब है कि नहीं, अब ये जीरो हो जाएगा तो होमोजेनियस हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, a11x1 प्लस a12x2 एंड सो ऑन चलते जाएगा, और a1nxn इक्वल टू जीरो, उसी तरह से a21x1 प्लस a22 एंड सो ऑन, यहाँ पर a2nxn इक्वल टू जीरो। सिमिलरली एट द लास्ट क्या आएगा, am1x1 ठीक है प्लस am2x2 प्लस एंड सो ऑन amnxn इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें भी क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रैंक, ठीक है, तो फाइंड द रैंक ऑफ द कोफिशियंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें भी तो दो होगा, कोफिशियंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसमें क्या है, जीरो, ठीक है। तो ये ट्रेंगुलर फॉर्म बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें है सॉल्व करने में, फाइंड दी रैंक आर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें जो है पहला ये चीज है कि इफ आर इक्वल टू एन है,
ठीक ना, दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैव इक्वेशन दिस ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, इफ आर इक्वल टू एन देन इक्वेशन हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल जीरो सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा ट्रिवियल जीरो सॉल्यूशन, ठीक ना। अब यदि आर लेस देन एन हो गया तो, ठीक ना, तो यहां पर क्या हो गया, देन इक्वेशन विल हैव एन माइनस आर लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज एन बाई आर का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि इफ आर्बिट्रेरी वैल्यूज आर असाइन टू एन माइनस आर ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल कैन बी यूनिकली फाइंड, ठीक है। और ये जो है, यदि यूनिक नंबर आ रहा है कोई, इसका मतलब है कि इट विल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड, ये सेकेंड था आपका। और थर्ड ये कहता है कि यदि इफ एम इज लेस देन एन है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, और ये क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, देन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज अदर देन एक्स वैल्यूज, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इन्फिनाइट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। लेकिन जो है इसी में यदि m इक्वल टू n हो जाए, क्या m इक्वल टू n हो जाए, दैट मीन्स कि द नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर इक्वल, मतलब इक्वेशन एंड फाइंडिंग वैल्यूज आर इक्वल, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन अदर देन दिस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एंड सो ऑन इक्वल टू एक्स एन विल बी इक्वल टू क्या, जीरो, इज दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशियंट मैट्रिक्स इज जीरो, दैट मीन्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट मैट्रिक्स इज जीरो। In this case, the equation are said to be consistent and such a solution is called non-trivial solution. The determinant is called eliminant of the equation. Here, determinant is called eliminant of the equation. इलिमिनेंट, ये ध्यान रखिए, इलिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। कोई पूछ सकता है इलिमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट तो सब पढ़ते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट का ही स्पेशल केस क्या है, इलिमिनेंट, ठीक है। अब इसी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये इक्वेशन है लैम्डा माइनस वन इंटू एक्स 3 लैम्डा प्लस 1, ये सब इक्वेशन है, ठीक है। आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट दिया हुआ है आपको, कंसिस्टेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है पहले से। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। व्हेन लैम्डा हैज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज, व्हाट हैपेंस व्हेन लैम्डा हैज द ग्रेटर ऑफ दीज वैल्यूज, ठीक है। अब द इसका सॉल्यूशन निकालेंगे यदि आप, तो द गिवन सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, और ये कंसिस्टेंट तो तभी होगा ना, दिस विल बी कंसिस्टेंट इफ, कब कंसिस्टेंट होगा, इफ क्या लैम्डा माइनस वन, थ्री लैम्डा प्लस वन और टू लैम्डा, यही है ना, और इधर क्या है लैम्डा माइनस वन, फोर लैम्डा माइनस टू और लैम्डा प्लस थ्री, फिर क्या है टू
थ्री लेमडा प्लस वन और ये क्या है थ्री लेमडा माइनस वन, ठीक है, और ये क्या हो गया जीरो, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा जो है सॉल्व कर दें, ठीक है, क्या सॉल्व कर दें कि आर टू माइनस आर वन ले लें, ठीक है, आर टू माइनस आर टू माइनस आर वन ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये तो लेमडा माइनस वन, थ्री लेमडा प्लस वन, टू लेमडा, और ये आर टू माइनस आर वन करते जीरो, फोर लेमडा माइनस थ्री लेमडा क्या हो जाएगा लेमडा, और माइनस टू माइनस थ्री, और इधर क्या हो जाएगा लेमडा माइनस लेमडा और प्लस थ्री, और इधर टू थ्री लेमडा प्लस वन और थ्री लेमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक ना। इसी में सी थ्री जो है सी थ्री प्लस सी टू यदि कर दे तो सी थ्री प्लस सी टू तो देखिए ये जीरो आ रहा होगा संभवतः, इसीलिए कर रहे हैं, तो लेमडा माइनस वन थ्री लेमडा प्लस वन और टू लेमडा प्लस थ्री लेमडा कितना हो जाएगा फाइव लेमडा प्लस वन, फिर यहाँ पर जीरो लेमडा माइनस थ्री और इधर माइनस लेमडा प्लस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा जीरो और टू थ्री लेमडा प्लस वन और ये थ्री लेमडा और थ्री लेमडा क्या हो जाएगा सिक्स लेमडा और ये वन माइनस थ्री है, वन माइनस थ्री है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा थ्री कॉमन चले जाएगा क्या, देखो थ्री लेमडा और सिक्स लेमडा और ये वन है ये माइनस थ्री है तो क्या हो जाएगा माइनस टू, क्या हो जाएगा माइनस सिक्स लेमडा माइनस टू। अब यहाँ से आप देखेंगे इसका निकालेंगे सॉल्यूशन, तो इसका आपका ये वाला टर्म का जब निकालेंगे तो दिस कैंसिल दिस कैंसिल, ठीक है, जीरो जीरो, ये सब जीरो जीरो आ रहा होगा एक्सेप्ट लेमडा माइनस थ्री का, ये लेमडा माइनस थ्री निकालेंगे तो लेमडा माइनस थ्री और इधर क्या बनेगा कोफैक्टर इसका, लेमडा माइनस थ्री निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल तो बचेगा क्या लेमडा माइनस वन और टू और फाइव लेमडा प्लस वन और सिक्स लेमडा माइनस टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका जो है सोल्यूशन निकाल दें, इसका सोल्यूशन निकाल दें, इसका सोल्यूशन निकालिएगा तो क्या आएगा ये लेमडा माइनस वन और ये लेमडा माइनस वन इंटू सिक्स लेमडा माइनस टू और माइनस टू फाइव टेन लेमडा माइनस टू इक्वल टू जीरो। अभी देखिए लेमडा क्यू का इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर जो है ये आपको जो निकल करके आएगा ये कुछ ऐसा निकल करके आएगा आपका सिक्स लेमडा इंटू लेमडा माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर या तो लेमडा जीरो होगा या लेमडा इक्वल टू जो है आपका थ्री होगा, बस दो ही सॉल्यूशन इसका यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना। अब जब लेमडा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो द इक्वेशन जो है, अब आपका ये इक्वेशन जो है देखिए लेमडा जब जीरो होगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा देखिए तो, क्योंकि एक्स वाई जेड का रेशियो भी तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स और ये जीरो तो ये वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एक्स बाई वाई का रेशियो क्या हो जाएगा वन अपन वन आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और जब एक्स वाई वन वन आ रहा है, अच्छा जेड यहाँ पर क्या आएगा देखिए तो इसमें रखेंगे लेमडा इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पर लेमडा जीरो रखेंगे तो माइनस टू वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया जीरो माइनस एक्स और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई और माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, ये रेशियो निकला आपका, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाई सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई, वाई अपन सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू जेड अपन माइनस वन प्लस फोर, दैट मीन्स क्या हो गया सिक्स माइनस थ्री थ्री, सिक्स माइनस थ्री थ्री थ्री, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, मतलब रेशियो निकालेंगे तो वन इज टू वन इज टू वन, सिंपल सा आंसर है इसका। अच्छा जब लेमडा इक्वल टू थ्री रखेंगे तो, लेमडा इक्वल टू थ्री रखेंगे तो क्या होगा,
तो यहाँ लेमडा इक्वल टू 3 रखेंगे तो इक्वेशन बिकम्स वेरी मच आइडेंटिकल। आप इसको बना करके देखिए, जो यहाँ वैल्यू आया है वही जो है सेम वैल्यू आएगा, इक्वेशन विल बी आइडेंटिकल। ये कॉन्सेप्ट था आपका किसका, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम एंड लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम, आप समझे होंगे कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना आसान तरीका है, लेकिन ये आसान तरीका अपने को आना भी चाहिए, आएगा तभी तो बना पाएंगे, अदरवाइज बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। आई होप कि इक्वेशन आपको समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, रॉची थ्योरम क्या है, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल कराए, एक ये वाला न्यूमेरिकल, और इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल कराए थे जिसमें रैंक निकाल करके बताए थे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।